नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे वायव्य कोण के बारे में कि इस दिशा का महत्व क्या होता है और इस दिशा में क्या होना चाहिए क्या नहीं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत शुभ संयोग के साथ। गोलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गोलक टिप्स में हम बात करेंगे आपके घर के वास्तु के बारे में। आपके घर, आपके फ्लैट, आपके ऑफिस, आपके शोरूम, आपकी फैक्ट्री की उत्तर पश्चिम दिशा अर्थात वायव्य कोण दिशा के बारे में। वायव्य कोण दिशा का वास्तु में क्या महत्व है, आपके घर, ऑफिस, फैक्ट्री, शोरूम के वायव्य कोण दिशा में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही यदि आपके घर, ऑफिस, शोरूम की वायव्य कोण दिशा में कोई वास्तु दोष है तो बगैर तोड़फाड़ उसका क्या उपाय है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा। इस तरह की जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में ही दी जाती है। कार्यक्रम को पूरा देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज रविवार का दिन है, दिनांक 13 दिसंबर 2020। माक्षिश मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। आज मास शिवरात्रि है, तो आज शिव की पूजा से, भगवान शिव के जलाभिषेक से, आज के दिन व्रत रखने से आपके समस्त जाने अनजान में किए गए पापों का नाश होता है, आपकी मन इच्छित कामना पूर्ण होती है। तो आज शिव मंदिर में जल, दूध, दही, शहद, शिव मंदिर के अंदर जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, चंदन, केसर, भांग, इन सभी सामग्रियों को जल के अंदर मिला लीजिएगा, एक बर्तन में मिक्स कर लीजिएगा जल डालकर, और इन सभी सामग्रियों से मिश्रित जल से आज शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा, भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा। और विशेष फल की प्राप्ति के लिए, विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, मन इच्छित मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आज शिवलिंग पर चने की दाल अर्पण कीजिएगा, उसमें थोड़े से सफेद तिल भी मिला दीजिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर बिलपत्र, फल फूल, धतूरा इत्यादि अर्पण कीजिएगा, शिव चालीसा का पाठ कीजिएगा, शिव आरती कीजिएगा। निश्चित तौर पर इस प्रकार आज शिव आराधना करने से मन इच्छित मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। जी, तो पंडित जी, शुभ संयोग तो आज का आपने हमें बताया, लेकिन वायव्य कोण की जो आज हम बात करने वाले हैं, तो इस दिशा के बारे में जानना चाहेंगे, वास्तु दोष हो तो क्या कुछ करें जानना चाहेंगे। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी संतान, आपके बच्चे गलत संस्कारों में पढ़ते जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कोर्ट कचहरी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है? क्या आपको लगता है कि लाख कमाने के पश्चात भी आपके हाथ में पैसा नहीं बचता है? क्या आपके घर में, घर की जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो अक्सर बीमार रहती हैं? क्या आपके घर में हमेशा पिता पुत्र, पति पत्नी, सास बहू, देवरानी जेठानी में तू तू मैं बनी रहती है? यदि हाँ, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण आपके घर के वायव्य कोण में वास्तु दोष होना है। वायव्य कोण कौन सा हुआ? नॉर्थ वेस्ट वाला जो कॉर्नर है वो वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम वाला जो कोना है उसके अंदर यदि दोष है तो इस तरह की चीजें होती है। तो यदि आपके घर का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अर्थात वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम की जो दिशा है वो वास्तु सम्मत है, तो आपके घर में, आपके बिजनेस में बरकत रहती है, सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। वहीं यदि आपके घर का, आपके शोरूम का, आपके ऑफिस का, आपके फैक्ट्री का वायव्य कोण अर्थात उत्तर पश्चिम की दिशा वास्तु सम्मत नहीं है या वहाँ पे कोई वास्तु दोष है, तो नाना प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्ट आपके व्यापार के अंदर, आपके जीवन के अंदर बने रहते हैं। संतान कुमार पर चलती है, सारा पैसा बीमारियों पर खर्च होता है,
कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है। तो आइए आज हम बात करते हैं आपके घर की एक अहम दिशा अर्थात वायव्य कोण दिशा के बारे में, उत्तर पश्चिम दिशा के बारे में। इस दिशा का वास्तु में क्या महत्व है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब आज मैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में आपको बताने जा रहा हूँ। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। वास्तु से जुड़ी जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको पिछले कुछ दिनों से देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों, उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य, उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य के कोणीय स्थान को वायव्य दिशा का नाम दिया गया है। वायव्य दिशा का मुख्य तत्व वायु है। वायव्य कोण पर वरुण देव का भी पूर्ण अधिकार है। वायव्य दिशा को नैऋत्य तथा आग्नेय से नीचा रखने पर शुभ फल मिलता है। यानी आग्नेय कोण से नीचा हो, नैऋत्य कोण से नीची होनी चाहिए वायव्य कोण की दिशा। यदि आपके घर व्यापार की वायव्य कोण दिशा वास्तु दोष मुक्त है तो मान सम्मान, यश, वैभव, कीर्ति की प्राप्ति होती, धन की प्राप्ति होती है। वहीं यदि आपके घर व्यापार की वायव्य कोण में वास्तु दोष है तो धन की हानि होती है, यश की हानि होती है। हर सदस्य पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। कोर्ट कचहरी गंभीर बीमारियों में उलझना पड़ता है। तो इस प्रकार आपके घर की वायव्य कोण की जो दिशा है वो सीधा आपके घर की सुख शांति समृद्धि को प्रभावित करती है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके घर, आपके शोरूम की वायव्य दिशा में क्या होना चाहिए, उसको समझ लेते हैं। तो आपके घर में जल भंडारण हेतु सभी ओवरहेड टंकियां, जो ओवरहेड टंकियां, अंडरग्राउंड नहीं, ओवरहेड जो टंकियां हैं, वो आप नॉर्थ वेस्ट अर्थात वायव्य दिशा के अंदर आपके छत पर आप रख सकते हैं। किस दिशा में? वायव्य कोण में ओवरहेड टैंक रख सकते हैं, पानी की टंकी का स्थान वहां पे हो सकता है। वही घर के अंदर मेहमानों का कक्ष, ड्राइंग रूम, आगंतुक कक्ष जिसको बोलते हैं, ड्राइंग रूम हुआ, मेहमानों का कमरा, वो वायव्य कोण के अंदर आप बना सकते हैं। उस कमरे के अंदर जो भी मेहमान आएगा वो बहुत ज़्यादा टिकेगा नहीं, दो चार दिन के अंदर ही रवाना हो जाएगा। अगर आपने साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण में मेहमान को टिका दिया है तो वो वहाँ पे मकान का, घर का स्वामी बन के रहने लगता है। और वायव्य कोण में टिका दिया है तो वो फटाफट चलता बनेगा, कोई भी मेहमान हो जो अनवांटेड होते हैं। विशेष तौर पे हमारे वो दर्शक जिनकी बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा है, लाख कोशिश कर लिए लेकिन उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो यदि आप चाहते हैं आपकी कन्या का शीघ्र विवाह हो तो आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है यानी उत्तर पश्चिम में जो कमरा है, वायव्य कोण में जो कमरा है, उसमें उसका बेडरूम बना दीजिए। अगर उसमें उसका बेडरूम है तो बहुत जल्दी विवाह हो जाएगा। यहीं अगर उसका बेडरूम अगर आपने साउथ वेस्ट में कर दिया है, नैऋत्य कोण में विवाह योग्य कन्या का कमरा कर दिया है, तो वो फिर उसका विवाह नहीं होता, वो जीवन भर आपके घर में ही रहती है। यदि आप चाहते हैं कि उसका शीघ्र विवाह हो तो नॉर्थ वेस्ट वाले कमरे के अंदर उसका बेडरूम बनाइए। किराएदारों का कमरा भी नॉर्थ वेस्ट में ही होना चाहिए, वायव्य कोण में किराएदार का कमरा होना चाहिए ताकि ज़्यादा लंबे समय तक वो टिक नहीं पाते हैं। अन्न का भंडार हो, स्टोर हो, उसके लिए भी वायव्य कोण शुभ माना गया है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है उसके लिए शुभ माना गया है। वाहन रखने के लिए, पशुओं का स्थान बनाने के लिए भी वायव्य कोण शास्त्र माना गया है। घर में काम करने वाले जो नौकर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके लिए भी उनको वायव्य कोण वाले कमरे के अंदर ही स्थान देना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो कमरा हो वो आपके घर के कर्मचारियों के, नौकरों के लिए उपयुक्त माना गया है। और विशेष तौर पर हमारे जो व्यापारी दर्शक हैं, आपकी शॉप, आपके शोरूम के अंदर जो गुड्स आप बेचना चाहते हैं, जो माल आप बेचना चाहते हैं, वो माल जो रखने की जो सबसे शुभ दिशा बताई गई है वो वायव्य कोण बताई गई। नॉर्थ वेस्ट में जितना माल रखेंगे उतना उसका मूवमेंट होगा, साउथ वेस्ट में जितना रखेंगे वो बिकेगा नहीं, इकट्ठा होता रहेगा, और नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे तो फटाफट निकलता रहेगा ताकि वो निकले तो दूसरा माल रखे। तो आप अपनी शॉप का जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्ले कीजिए, तभी वो मूवमेंट उसका फास्ट होगा। एक विशेष बात और, वायव्य कोण जो है उस साइड की जो चार दीवारी है, वायव्य कोण की जो चार दीवारी है, बाउंड्री वॉल जिसको कहते हैं, उसको थोड़ा मोटा बनाइए, ऊंचा बनाइए। वायव्य कोण के ऊपर निर्माण होना अति आवश्यक है,
इसलिए उसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसे बना के रखिए। और घर के अंदर स्टेयर्स बनाने का, सीढ़ियाँ बनाने का भी सबसे उपयुक्त स्थान जो बताया गया है वो वायव्य कोण बताया गया है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, उत्तर पश्चिम का जो कोना है, वहाँ पे घर के अंदर जो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हों वो उस स्थान पे सबसे शुभ परिणाम देती है। अगर आप अपने घर में गैरेज पोर्शन बनाना चाहते हैं अपनी कार इत्यादि को रखने के लिए, वाहन इत्यादि को रखने के लिए, तो वायव्य कोण के अंदर ही आप गैरेज पोर्शन बनाएं तो भी आपको शुभ परिणाम देते हैं। अति आवश्यकता में रसोई घर, रसोई घर जो है वैसे तो आग्नेय कोण में होना चाहिए, लेकिन अति आवश्यकता में आप वायव्य कोण के अंदर भी बना सकते हैं। लेकिन बनाते समय, किचन में रोटी बनाते समय, गैस पे काम करते समय मुख पूरब दिशा का होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा जी। और पंडित जी, अब जानना चाहेंगे कि वायव्य कोण में क्या ना हो। जी बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया कि वायव्य कोण का वास्तु में क्या महत्व है, वायव्य दिशा में क्या होना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि आपके घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अर्थात वायव्य कोण के अंदर क्या नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपके घर के वायव्य कोण में बुजुर्गों का कमरा कभी नहीं होना चाहिए। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका बेडरूम नहीं होना चाहिए। उनकी मानसिक तनाव में आ जाते हैं, मेंटल डिप्रेशन में आ जाते हैं, मनोस्थिति खराब हो जाती है अगर आपके घर के बुजुर्ग जो है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अंदर बने कमरे में सो रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, वायव्य कोण को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। जिस घर के अंदर वायव्य कोण खाली होता है उस घर के सदस्यों को दुर्घटनाओं का, एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है। और वायव्य कोण को ईशान कोण से कभी भी नीचा ना रखें। ईशान कोण से कभी भी नीचा नहीं होना चाहिए। आपके घर के सभी कॉर्नर में ईशान कोण सबसे नीचा हो तो वायव्य कोण को ईशान कोण से नीचा नहीं रखें। ऐसा यदि जिस घर के अंदर ईशान से भी नीचा वायव्य कोण है, ईशान कोण कौन सा, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से भी नीचा अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, तो ऐसे घर के अंदर हमेशा बीमारी बनी रहती है, कोर्ट कचहरी बनी रहती है। वही वायव्य दिशा कोण के अंदर, नॉर्थ वेस्ट दिशा कोण के अंदर कभी भी बोरिंग नहीं होनी चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, कुआ नहीं होना चाहिए, गड्ढा मत बनवाए, नहीं तो संतान के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। विशेष तौर पे अगर आपके घर के अंदर कोई प्रेगनेंसी के अंदर महिला है, गर्भवती महिला है, तो उसे घर के वायव्य कोण दिशा में बने हुए कमरे में नहीं रखना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में कोई रूम बना हो वहाँ पे गर्भवती महिला को नहीं रखना चाहिए। उसका कारण क्या है, वहाँ वायु का प्रकोप रहता है। तो अगर आपने किसी गर्भवती महिला को वायव्य कोण वाले कमरे में अर्थात उत्तर पश्चिम दिशा में बने कमरे में रख दिया तो एबॉर्शन होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो शीघ्र ही ऐसी महिलाओं को जो कि प्रेगनेंसी की अवस्था में है, तुरंत उन्हें नॉर्थ वेस्ट वाले कमरे से नैऋत्य कोण के अंदर शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी इजीली हो सके। वहीं अगर आप शॉप ऑनर हैं तो आपको अपनी शॉप के वायव्य कोण में उत्तर पश्चिम दिशा वाला जो कोना है वहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, और कैश काउंटर भी वहाँ पर नहीं रखना चाहिए। मन नहीं लगता है, व्यापार के अंदर जो उच्चाटन बना रहता है, अपनी सीट पे कभी बैठते ही नहीं और धन तो कभी टिकता ही नहीं। और यदि आपके घर के अंदर नई बहू आई है, बच्चे की शादी हुई है, और आपने नई बहू को अगर आपने भूल से वायव्य कोण वाले कमरे के अंदर उसका बेडरूम बना दिया है और वहाँ पे उसको रख दिया है, तो ये मान के चलिए कि आपकी बहू आपके घर में बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। तो नई बहू को भूल कर भी वायव्य कोण वाली दिशा में बने कमरे में नहीं रखना चाहिए। यदि आप घर की सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो वायव्य कोण में अगर रखेंगे तो उच्चाटन होगा तो बार बार पीयर भागेगी, फिर इस तरह की जो है वो विपरीत परिस्थितियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। आइए जल्दी से जान लेते हैं वायव्य कोण के वास्तु दोषों को बगैर तोड़फाड़ के ठीक करने के सटीक उपाय। पूर्णिमा की रात्रि चावल दूध की खीर बनाकर चंद्रदेव को भोग लगाएं, ब्राह्मण को दान कर स्वयं और बाकी सदस्य ग्रहण करें तो वायव्य कोण दोष का दोष दूर होता है। वायव्य कोण में स्वाति अर्थात वर्षा का जल किसी कांच की हरी या नीली बोतल में भरकर रख दें, निश्चित तौर पर दोष खत्म हो जाता है। अपनी माँ का आदर करें, सुबह उठकर उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद दें। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का ध्यान करके दूध का अर्ध देना भी तत्काल लाभ
देता है। घर के पूजा स्थान में प्राण प्रतिष्ठित मारुति यंत्र, सोम यंत्र, चंद्र यंत्र की स्थापना करें, आपके घर का वायव्य कोण जो है उसका दोष स्वतः ही दूर हो जाएगा। जी तो पंडित जी, आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।